आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर में चंद्रयान की सफल लैंडिंग को दिखाया गया। बच्चों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रयान का नाम विक्रम है। विक्रम साराभाई जो भारत के वैज्ञानिक हैं उनके ऊपर इसका नाम रखा गया। यह यान 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से रिलीज़ किया गया था। इसको चंद्रमा के कक्ष में पहुंचने के लिए लगभग 40 दिन लगे। ये कुछ दिनों से चंद्रमा के कक्षा में चक्कर लगा रहा था। बच्चों ने इसको बहुत उत्साह के साथ देखा। इसके दो भाग हैं, रोवर और लैडर, जिससे कि चंद्रमा में रहने वाले जो भी भूकंप या जो भी जिस प्रकार से भूकंप आते हैं तो वो सेस्मोग्राफिक तस्वीरों को लेकर हमको भेजेंगे। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला यान है और भारत एक पहला देश है जिसने कि यहाँ पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। बच्चों ने इस कार्यक्रम को बहुत उत्साह के साथ देखा। उनके अंदर भी एक वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई। उनको पता चला कि किस प्रकार से इसरो यानी भारतीय इसके अंदर दो पार्ट थे, रोवर और लैडर। वैज्ञानिक किस प्रकार से इस पे कार्य कर रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे जिस प्रकार से समय कम हो रहा था, हम सबका उत्साह बढ़ रहा था और लग रहा था कि जल्दी से ये एक सफलता हमारे हाथ लगे। इसके पीछे बहुत वैज्ञानिकों का हाथ था, जिसमें कि प्रमुख हमारे इसरो के प्रमुख सोमनाथ जी हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की श्री रिचर श्रीवास्तव जी भी हैं, तो उनको एक रॉकेट महिला का नाम भी दिया गया है। तो आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमने अपने चंद्रमा पर एक तरीके से विजय प्राप्त की है और दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान को सेफ लैंड किया है।